साइबर क्राइम की बढ़ती घटना को देखते हुए साइबर थाना ने लोगों से अपील किया है कि BSNL सिम के नाम पर कंपनी द्वारा मोबाइल के KYC को अपडेट करने के लिए किसी भी अज्ञात नंबर का कॉल या SMS संदेशों को नज़रअंदाज करें। BSNL किसी भी KYC अपडेट करने को नहीं कहता है। ऐसा करने से उपभोक्ताओं का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1503 पर कॉल करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए साइबर थाना के इंस्पेक्टर सूर्यभान सिंह ने कहा, आपका BSNL का सिम जो है 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए सामने आ रहा है। आज के लिए नए तरीके का फ्रॉड आया है कि BSNL के सिम को मैसेज आता है कि BSNL आपकी BSNL की जो सिम है 24 घंटे के अंदर डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर उसे हम चालू करना चाहते हैं तो एक नंबर दिया रहता है, उस नंबर पर कॉल करने के लिए, और जैसे उस पर कॉल करते हैं तो उधर से आपको रिमोट स्क्रीन मॉनिटरिंग जैसे एप्लीकेशन NADESC या कुछ सपोर्ट KYC कराने के नाम पर एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जाता है, और उससे और आपकी मोबाइल में एक्सेस लेकर और OTP वगैरह पूछ कर आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मैसेज आता है कि BSNL का सिम एक्टिवेट होने वाला है 24 घंटे अंदर, तो उस पर ध्यान न दें, और जो BSNL का कस्टमर केयर का जो नंबर है 1503 उस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी लेनी है BSNL के संदर्भ में तो उससे आप ले सकते हैं। उस अज्ञात नंबर पर कॉल ना, आजकल प्रायः देखने में आ रहा है कि BSNL की सिम डीएक्टिवेट हो जाने के कारण उसको एक्टिवेट कराने के लिए KYC मांगी जा रही है। इस संदर्भ में मैं जनमानस को सूचित करना चाहता हूं कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई भी कॉल आवे, कुछ पूछा जाता है उससे, तो अपनी निजी जानकारी जैसे OTP, आधार कार्ड और अकाउंट नंबर, जन्मतिथि आदि शेयर न करें।